क्या होगा अगर रोहित शर्मा ऑक्शन में आए तो तुमको तो पता ही होगा, पिछली वीडियो में विराट कोहली 32 करोड़ में सोल्ड हुए थे। आज की इस वाली वीडियो में हम पता लगाने वाले हैं अगर रोहित शर्मा ऑक्शन में आते तो वो कितने में जाएंगे। ये एक रूल याद रखना, जितने में जाएंगे हम उसका डबल में करेंगे। अगर तो सबसे पहले हम चूज करने वाले हैं मुंबई लेजेंड्स को। याद रखना कि हम इसमें से किसी भी प्लेयर को रिटेन नहीं करेंगे ताकि हमारे पर्स में ज़्यादा से ज़्यादा पैसे हो सके, और हमारे पास पैसे होंगे तो हम रोहित शर्मा को ज़्यादा से ज़्यादा दाम में खरीद पाएंगे। तो इसमें से हम किसी भी प्लेयर को रिटर्न नहीं करेंगे। आप देख सकते हैं सबके पास 80 करोड़ हैं। अब इसका प्रवचन सुनने से मुझको कोई मतलब नहीं है, तो मैं सीधा सीधे जाता हूं ऑक्शन में। अभी सीधा रोहित शर्मा का इंतजार करते हूं, जब भी नंबर में आएंगे सीधा हम उनके ऊपर बोली लगाना शुरू करेंगे। अब देख सकते हो लिस्ट में रोहित शर्मा 3rd नंबर पर है, पर वो 3rd नंबर पर नहीं आएंगे हर बार की तरह। कौन आएगा? स्टीव स्मिथ। मुझे लग ही रहा था कि स्टीव स्मिथ ही आएंगे हर बार की तरह। तो चलो यार इसको स्किप करते हैं, सीधा अपने रोहित शर्मा के ऊपर बेट लगाने के लिए वेट करते हैं। तो फाइनली रोहित शर्मा आ चुके हैं हमारे ऑक्शन में, शायद से। हाँ सही पकड़ा है मैंने, फाइनली रोहित शर्मा ऑक्शन में आ चुके हैं। अब देखते हैं इसके ऊपर कितनी कितनी बोली लगनी चाहिए और कितनी कितनी बोली लगेगी। तो तुम देख सकते हो रोहित शर्मा का बेस प्राइस 2 करोड़ है, पर इनका बेस प्राइस और ज़्यादा होना चाहिए इनके कैटेगरी के हिसाब से, इनकी कैपेबिलिटी के हिसाब से। पर कोई ना, हमारा काम है बिड मारना, इनकी बोली को आगे बढ़ाना। तो देखते हैं अभी कौन कौन बिड में आ रहे हैं। सीधा हैदराबाद भी आ चुकी है। अरे मुंबई तो आएगी ही क्योंकि रोहित शर्मा मुंबई का ही है। तो सबसे पहले अब प्रीति जिंटा आ चुकी है पंजाब को लेकर। अब एक बात याद रखना, किसी और को मैं बीड मारने का ऑप्शन ही नहीं देने वाला। कोई और बीड मारेगा उससे पहले मैं भी बीड मारूंगा। मैं लिया हूँ मुंबई को, रोहित शर्मा आ चुके हैं मुंबई में। मैं आरटीएम यूज़ नहीं करने वाला, मैं बहुत ज़्यादा पैसा खर्चने वाला हूँ क्योंकि मेरे पास 80 करोड़ बैलेंस में है। तो अभी तुम देख सकते हो दिल्ली भी आ चुकी है अपने लाइन पर। दिल्ली बीड मारेगी और उसके अगले कोई और टीम मारे उससे पहले मैं भी बीड मारने वाला हूँ ताकि रोहित शर्मा हमारा ही हो सके। चेन्नई भी बीड मारने में आ चुकी हैं। चेन्नई को क्या क्या नहीं चाहिए, उनके पास धोनी भी, अब रोहित को भी चाहिए। यार क्या छोड़ो यार, कोई बात नहीं, हमारा काम है बीड मारना, हम मारेंगे बीड। अभी रोहित शर्मा 11 करोड़ मतलब 22 करोड़ में पहुँच चुके हैं रोहित शर्मा। अब देख सकते हो हमारा काम है बीड मारते रहेंगे। अभी हाँ राजस्थान राइफल्स भी आ चुकी हैं। अब मुंबई लेजेंड्स तो लेजेंड्स ही। अब ये देखना एक्साइटिंग रहेगा कि रोहित शर्मा कितने में जाएंगे, क्योंकि गेम के हिसाब से विराट कोहली गए थे 16 करोड़ में। अब देखते हैं रोहित शर्मा कितने में जाएंगे। अब मैं तो बीड मारने वाला हूँ। अभी रोहित शर्मा 14 करोड़ मतलब रियलिटी में 28 करोड़ के पहुँच चुके हैं रोहित शर्मा। अब फिर मैं बीड मारने वाला हूँ मुंबई। रोहित शर्मा मुंबई से ही खेलेंगे ये तो फिक्स है। अब फिर हैदराबाद भी आ चुके हैं, फिर मुंबई को बीड मारेंगे। रोहित शर्मा पहुंच चुके 16 करोड़। ओ रोहित शर्मा ने विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अब रोहित शर्मा पहुंच चुके हैं 34 करोड़ के मार्जिन पे। अब और देखते हैं बीड मारेंगे कि नहीं। और हैदराबाद मर चुकी है रोहित शर्मा को लेने के लिए, पर मुंबई इतनी आसानी से रोहित शर्मा को छोड़ेगी नहीं, वो लेकर ही रहेगी रोहित शर्मा को। अब देखते हैं, सैम करन का रिकॉर्ड तोड़ दिया है रोहित शर्मा ने। आईपीएल हिस्ट्री का सबसे महंगा खिलाड़ी कौन रहेगा, मतलब आरसीपीएल हिस्ट्री का सबसे महंगा खिलाड़ी शायद से रोहित शर्मा। रोहित शर्मा 19 करोड़ मतलब 38 करोड़ में क्या सोल्ड होंगे रोहित शायद से। ओ रोहित शर्मा सोल्ड हो चुके हैं मुंबई में 38 करोड़ में। विराट कोहली सोल्ड हुए थे 32 करोड़ में इन, और रोहित शर्मा सोल्ड हुए हैं 38 करोड़ में।